कुछ सेल्स आपके सीरीज में रहेंगे, कुछ पैरेलल में। सीरीज में हम क्यों लगाते हैं? वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम सीरीज में लगाते हैं। उधर के पंखे ऑफ कर दो। और करंट बढ़ाने के लिए हम पैरेलल करते हैं। जैसे करंट बढ़ाते हैं, जितने भी करंट बढ़ गया है, जैसे एक 1 एम्पियर चाहिए, 2 एम्पियर चाहिए, 3 एम्पियर चाहिए, तो इस तरह से आपके करंट बढ़ाने के लिए हम पैरेलल में लगाते हैं। इसमें सबसे पहले सेल्स इन सीरीज यहाँ डूडू कर देते हैं। बहुत सारे सेल्स हमने लगा दिए हैं सीरीज में। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे हो गए, इन सभी को हम एक पॉइंट पर जोड़ लिए। यहाँ से हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए। क्लोज सर्किट बना दिए, करंट के लिए क्लोज सर्किट होना ये स्विच ज़रूरी होता है। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स लिखे हो यहीं पर, द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज शोन इन फिगर। यहाँ पर दिस आर लिख दो, ये हमारे पास इतना हम कर दिए। लेट नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो में बेटा इक्वल टू एन, सीरीज वाले में हम एन लिए थे, एन सेल्स में। और ईएमएफ ऑफ वन सेल इक्वल टू, ये ई लिए हैं, तो टोटल ईएमएफ इन वन रो, एक रो में टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन ई के बराबर। ये हो गया, आगे बात समझ में। फिर यहाँ से आप देख लो, रोज आर पैरेलल, सो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट का टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज एन ई। ईएमएफ अब आपके निकल गए। फिर आप आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस पर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इक्वल टू आर, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ रो दैट इज एन आर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ये आर इस तरह से जुड़ा हुआ है। सो आर 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 यस है। फिर रोज आर पैरेलल, सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज
एन आर अपॉन एम. हेयर एम इज नंबर ऑफ रोज, एम नंबर ऑफ रोज है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्वल टू कैपिटल आर. देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन द सर्किट या ऑफ द सर्किट, सर्किट इक्वल टू आर प्लस एन आर अपॉन एम. यहाँ तक ये आपके निकल गए, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया. फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. दिस इज आई इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम. रियल में फार्मूला आपको ये याद रखना है. दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ करंट. ये करंट का हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है. आगे बात समझ में? Yes. अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं, जैसे एंट्रेंस में जाते हो पूरा डेरिवेशन रट के गया है, जैसे ये हम रट के गए हैं बना देंगे, लेकिन पूछ लिया भाई ऐसे सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ बताओ, तो एन ई के बराबर वन रो में. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन अ रो, तो एन आर के बराबर. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एन आर बाई एम के बराबर. ये अलग अलग टुकड़े में क्वेश्चंस पूछते हैं. इस बार भी जो पूछे गए थे नीट में सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस थे. और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ तक तो हम निकाल दिए हैं, इधर आप लोग नोट कर लिए, तो इधर आप नोट कर लिए तो देख लो जरा. उसको हम मैथमेटिकली जब एक्सप्लेन करते हैं तो देख लो, इम्प्लाइज I इक्वल टू एन ई अपॉन नीचे जो एलसीएम लिखेंगे हम, तो एम एम आर प्लस एन आर ये निकल जाएगा. आगे M उलट के ऊपर गया तो एम एन दिस अपॉन एम आर प्लस एम एन दिस अपॉन एम आर प्लस एन आर. अब यहाँ पर पेपर में बच्चों को घुमाना है तो हम क्या कर दिए, व्हेन नंबर एन सेल्स आर कनेक्टेड एम एन सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो गया हमारे पास, एम इंटू एन टोटल सेल्स है हमारे पास. इसमें हमने कह दिए कि भाई इसमें ये बताओ, करंट इज गिवन बाय दिस. अब इसमें पहला चॉइस दे दे टोटल ईएमएफ कितना हुआ, तो बच्चे देखते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्या आंसर देते हैं, एम एन ई. दैट इज रॉन्ग. हमारा ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाय एम, नंबर वन. दूसरा इसमें एम आर देखते हैं, तो इस तरह से टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एम आर डाल दिए तो गलत आ जाएगा, टोटल हमारा आर ही है. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग, एन आर बाई एम हुआ. ये एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन हम टुकड़े टुकड़े में निकालते हैं, इसी को कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स. अप्लाइड फिजिक्स का मतलब यू नो द थ्योरी ऑफ फिजिक्स थ्योरेटिकली एंड हाउ विल यू इम्प्लीमेंट, हाउ विल यू अप्लाई दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली आप उसको कैसे लगाओगे. समझ में आया सौरभ? अब इस तरह से ये निकाल दिए. अब इसमें से पूछते हैं, पीछे केस में हमने बताए थे दो केसेस लेते थे, नंबर ऑफ सेल्स या सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है, तो अलग अलग करंट का कंडीशन निकलता था. अब हमें सर्किट में चाहिए टोटल मैक्सिमम करंट, तो बेटा
पैरेलल लगाने का मतलब है वी आर गोइंग टू इंक्रीज करंट, वोल्टेज में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। और सीरीज लगाने का मतलब है सीरीज। तो अब आप जैसे बैटरी इन्वर्टर का ख़रीदने जाते हैं, इन्वर्टर का बैटरी, तो वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टोटल बैटरी हैं या इन्वर्टर्स हैं, इन्वर्टर जितने भी हैं वो 12 वोल्ट पर डिजाइन है। अब 12 वोल्ट चाहिए तो 8 सेल्स को हमने एक रो में लगा दिए। और जनरली 1.5 होते हैं तो उसमें बनाते समय उसमें 1 थोड़ा कम अधिक हो सकता है 1.5 से। अब उस सेल को जब हम बना देते हैं तो हमारे पास सिंपली 8 सेल्स लगा दिए हमने, 12 वोल्ट मिल गया। अब वो इन्वर्टर की बैटरी लगाते हो आपके 2-4 घंटे में ख़त्म हो गए। और वहीं पर हमने 12 वोल्ट जो लगाए हैं बेटा, तो उसमें ध्यान दो जरा, इसमें 1-2 सेल लगाए हमने, ये मान लो यहाँ 2 सेल्स हमने लगाए, तो 2 सेल्स में प्लेट कितना है, यहाँ 4 देखते हैं। वहाँ हम क्या करते हैं, ये आपका कॉमन कर देते हैं निगेटिव वाले को। तो इस तरह से यदि हम लगातार ऐसे ही करें, ये अलग अलग बनाए हैं, अलग अलग नहीं बना के हमने ऐसे ही बना दिए, कितने सेल इसमें बन सकता है, एक को प्लस रखना है एक को माइनस रखना है, तो इसमें हमारे पास कितने सेल बन सकते हैं, 1, 2, 3 तीन ही सेल बना है। अब बेटा एक प्लस माइनस होगा ना, मान लो इसका प्लस ये माइनस, यही इसका प्लस का काम किया, ये माइनस, इस तरह से हमने जोड़ दिए। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्लेट देखते हैं, 4 प्लेट मीन्स 3 सेल। तो वहाँ पर यदि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इन्वर्टर वाले से पूछ लोगे भाई कितने प्लेट का है, प्लेट तो बताएगा। तो मान लो 9 प्लेट का दिया तो 9 प्लेट मीन्स 8 सेल्स के बराबर हो गए। तो इसका मतलब उस बैटरी में 8 सेल्स ही लगा हुआ है। अब आपने कह दिया भाई मुझे 25 प्लेट का चाहिए, तो 25 में 24 सेल्स हो गए, तो 8 सेल्स को एक रो में लगा देगा, 8 को एक में एक। तो क्या होता है बेटा, एक रो से जितना करंट आया उतना तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन जब उतना ही करंट तीन जगह से आएगा तो 1/3 करंट आया, तो एक रो के ऊपर लोड कम पड़ता है और इस तरह से उसका AH बढ़ जाता है, AH बढ़ जाता है। इसलिए यदि किसी चीज़ का मालूम नहीं है मार्केट में बैटरी खरीदते हो तो वहाँ सबसे पहली ये आप ध्यान रखोगे जो भाई स्टैंडर्ड लेवल्ड कंपनी है, यानी पैसा है तो ब्रांडेड कंपनी लिए, जिस कंपनी जो स्टाम्प लगा कर रसीद कटा के दे, अब रसीद काट के देगा तो चलो भाई टैक्स नहीं लेगा, लेकिन सामान की तो गारंटी होगी। और जो रिसिप्ट काट के नहीं दिया, आज आप आए कल नहीं चला लौटा, भाई मेरे यहाँ से तो बिका ही नहीं, लोग कहेंगे भाई सैकड़ों कस्टमर आते हैं इसे मुझे याद नहीं, लेकिन रिसिप्ट रहेगा तब तो उसको मानना पड़ेगा ना। और यदि नहीं मालूम रहे तो बैटरी वाले में ध्यान रखना, अब इन्वर्टर यूज करते हैं जनरल हर घर में यूज होता है, तो उसमें प्लेट कितने हैं एक चीज़ नोट करा लेना, और दूसरा MAH कितना है, AH कितना है। यदि AH आपको मालूम है तो उसी का, देखने में तीनों एक ही जैसे है, कोई 10 AH का है, कोई 20 AH का है, कोई 50 AH का है। तो AH के आधार पर आप डिसाइड करते हो, जैसे आजकल मोबाइल में आने लग गया है, पहले आता था 500-700 MAH, अब फिर 5000 MAH, आज की डेट में हमने देखा है 6000, एक को तो 7000 MAH, तो मीन 7 एम्पियर करंट वो एक घंटे तक दे सकता है। बात समझ में, तो बेटा जब उतने तो कार लगा दोगे तो कार चल पड़ेगा, लेकिन वो बैटरी उड़ जाएगा, उतना करंट एक ही बार ड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें से देखो बेटा आगे जो पूछते हैं क्वेश्चंस में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने डिटेल से बता दिया है, तीन में से यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से आपको सिंपली ध्यान देना है मैक्सिमम करंट, तो वहाँ कहेगा ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट व्हेन सेल्स आर मिक्स ग्रुपिंग, और ये भी लिख देंगे MN सेल्स टोटल हमारे पास इतना था, MN सेल्स आर मिक्स ग्रुपिंग, N तो रो में हो जाएगा, उसको M से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना
सेल्स लगाते हैं. एमएनस द कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट. अब देखो बेटा मैथमेटिकली आप यहाँ तक ले आए. अब यहाँ पर देखो जैसे हम ये प्रूफ करते हैं, ये हमारे पास प्रूफ करने के लायक न्यूमेरिकल के लिए याद रखो, और मोस्टली एम एन ई वाई ये भी हम याद रखते हैं. लेकिन हमें कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट के लिए यही लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका भी यूज है. ये मैक्सिमम हो तो इसका मतलब ये मिनिमम होगा. यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम करंट एम आर प्लस एन आर मस्ट बी मिनिमम. ये मिनिमम होना चाहिए. अब ये मिनिमम कैसे होगा इसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं. नाउ एम एन एम आर प्लस एन आर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा रूट एम आर का स्क्वायर लिख सकते हैं. रूट लगा दिया स्क्वायर बन जाएगा रूट एन आर, रूट एन आर का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट एम आर इंटू रूट एन आर लिख सकते हैं. तो हमने ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस रूट टू इंटू रूट एम आर इंटू रूट एन आर ये लिख दिया हमने. जितना हमने माइनस किया उतना ही प्लस कर लिया. अब यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए वी दिस इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. हम जानते हैं हैव यू नोटेड दिस साइड. अब यहाँ पर देख लो इम्प्लाइज एम आर प्लस एन आर दिस इक्वल टू रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर बन गया और प्लस टू रूट एम आर इंटू रूट एन आर. ये आपने नोट किया. अब देखो बेटा इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा मेनली इस पर, क्योंकि इसके भीतर में माइनस आई चाहे प्लस आई स्क्वायर कर, वन का स्क्वायर वन होता है, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ये तो बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, इस पर उतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यहाँ पर लिखते हैं फॉर मिनिमम, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एम आर प्लस एन आर रूट एम आर माइनस रूट एन आर मस्ट बी मिनिमम. इसमें अब मिनिमम क्या ले सकते हैं हम, मिनिमम यदि हम माइनस लें या प्लस लें तो वही आ जाएगा. तो सबसे छोटा वैल्यू क्या, दैट इज रूट एम आर माइनस रूट एन आर इक्वल टू जीरो. जीरो का स्क्वायर भी करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, बाकी किसी का स्क्वायर करते हैं तो नंबर मिल जाता है. तो इस तरह से आपका हो गया रूट एम आर इक्वल टू रूट एन आर स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो हमारे पास हो गया एम आर इक्वल टू एन आर इम्प्लाइज आर इक्वल टू एन आर अपॉन एम. फिर बच्चे कहते हैं सर ये क्यों आपने कर दिया, दैट इज इस एक्सटर्नल यही था मेरे पास, इम्प्लाइज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल
internal resistance. This condition is also known as maximum power theorem. इसी को मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहते हैं, जहाँ करंट आपके बढ़ जाएंगे, करंट मैक्सिमम होगा तो पावर में पी इक्वल टू आई स्क्वायर होते हैं, आई स्क्वायर आर, तो वहाँ पर आपके ये बढ़ जाएंगे। ओके, समझ में आ गए। इस तरह से अब आपके मैक्सिमम पावर थ्योरम देख लो। मैक्सिमम पावर थ्योरम आ सर्किट डिलीवर्स मैक्सिमम पावर इफ टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दिस इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। यह मैक्सिमम पावर तब निकलेगा जबकि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो।